ओरिजिनल नेम नहीं है, वो भी डुप्लीकेट नेम है, एक 15 इयर्स ओल्ड एक बॉय था, ठीक है। एंड वो कोशिश करता है कि वो अनिल को उसकी चोरी कर ले, या फिर उसके मतलब कोई ना कोई सामान उसका चोरी कर ले। ये उसकी मतलब जो उसके इंटेंशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। सो लेट्स डू अवर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। एक जैसे चांद की रोशनी की हल्की सी एक बीम बालकनी में आ रही थी और बेड के ऊपर भी गिर रही थी। मैं जमीन के ऊपर बैठा कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को कंसिडर करते हुए। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द ट्रेन 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड, कि अगर मैं मनी को ले लेता हूँ तो मैं 10:30 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस वाली ट्रेन को कैच कर सकता हूँ। स्लीपिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से, कंबल से। मैं क्रैप की सेकेंड फॉर्म है क्रैप्ड, बेड के ऊपर इस तरह से इसे रेंगता हुआ ऐसे लेट गया, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया हुआ है। तो ये एक रेंगने वाली सिचुएशन है। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल बहुत ज्यादा शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉर क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बहुत ज्यादा क्लियर था। अनलाइंड मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वरी के। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स, जबकि मेरे चेहरे पे ज्यादा निशान है, जबकि जो बल्कि मेरे बहुत ज्यादा स्कार्स हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रिक्स, मेरा हाथ मैट्रिक्स के जैसे जो कारपेट था उसके नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढते हुए। व्हेन फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बिना कोई आवाज के उन्हें फटाफट से बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन द इन हिज साइड टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। अनिल ने जैसे हल्की सी ऐसी अंगड़ाई ली, आह जैसे साई करते इस तरह से उसने किया, और वो मेरी तरफ मुड़ा, और मैं पूरा का पूरा स्टार्टल्ड मतलब मैं बहुत ज्यादा डर गया। क्विकली मैंने क्या किया, फटाफट से रेंग के मतलब वापस में रूम से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, जब मैं रोड पे आया तो मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरी कमर पे वो नोट्स थे बहुत सारे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माय पजामास, पजामे की जो जिसे तार है स्ट्रिंग उसे जुड़े हुए थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंट्स द नोट, मैंने जिससे थोड़ा सा आराम से हुआ और मैंने नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज एंड 50, पूरे के पूरे 50-50 के नोट 600 में। आई कुड लीव एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं एक बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जैसे कि अरब लोग जीते हैं, मैं एक हफ्ते तक या दो हफ्ते तक इस तरह की लाइफ जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पे गया तो मैंने वहाँ पे मैं टिकट ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदी, मैंने हमेशा ऐसे ही ट्रेवल किया था। But dashed straight to the platform. लेकिन मैं एकदम से जैसे कि dashed का मतलब होता है धराशायी होना, मैं एकदम से प्लेटफॉर्म पे गया। The Lucknow Express was just moving out. कि बस वो जो लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी जिसमें मुझे चढ़ना था, जो 10:30 पे थी, वो बस निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, कि जो ट्रेन थी वो जैसे स्पीड उसने अभी तक पकड़ी नहीं थी, अभी टाइम था उसे फास्ट होने में, कि मैं उसमें इजिली जम्प कर सकता था उसके किसी भी एक कैरेज के अंदर। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं ऐसे हेजिटेशन सी हुई मुझे। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ। एंड आई लूज द चांस टू गेट अवे, और मैं अंदर जाने का चांस मैंने लूज कर दिया कि मैंने ट्रेन नहीं पकड़ी फाइनली। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने देखा कि जो ये सुनसान सा जो प्लेटफॉर्म था यहाँ पे मैं अकेला खड़ा हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी रात कहाँ गुजारने वाला हूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे, मुझे लगता था कि दोस्तों का होना ज्यादा संकट की बात है हेल्प की बजाय। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस अबाउट स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, और मैं किसी दूसरे इंसान को जैसे संदेह भी नहीं पैदा करना चाहता था किसी भी स्मॉल होटल में रुक के स्टेशन के पास। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन
आई हैड जॉब, सिर्फ इकलौता बंदा जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था और मैंने उसी को ही मैंने धोखा दे दिया, उसी की मैंने चोरी कर ली। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, और स्टेशन को छोड़ते हुए मैं हल्का हल्का जैसे धीरे धीरे करके बाजार की तरफ जाने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अपने चोर बनने के छोटे से करियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने बहुत सारे लोगों की जैसे मुझे पहचान हो गई थी इंसानों के फेस की, उनके चेहरों की, कि जब वो अपने किसी भी सामान को खोते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची बंदा होता है उसे हमेशा डर लगता रहेगा कभी कोई चीज़ मेरी गुम ना हो जाए या फिर कहीं कोई चीज़ छुट ना जाए। द रिच मैन शोड एंगर, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, एंड जो गरीब आदमी होता है उसके फेस के ऊपर एक दया की भावना होती है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मुझे ऐसे ही ध्यान आ रहा था कि अगर अनिल को पता चलेगा कि चोरी के बारे में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो बस उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास को खोने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैदान मीन्स इट्स अ ओपन स्पेस और ग्राउंड, कि मैंने वहाँ गया, सेट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पे बैठा। द नाइट वॉज चिली, मीन्स बहुत ज़्यादा कोल्ड थी उस दिन, इट वॉज अर्ली नवम्बर, नवम्बर का स्टार्टिंग का मंथ था, एंड लिटल ड्रेजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजल का मतलब क्या होता है, हल्की सी जैसे बूंदाबांदी, जैसे कि ड्रेन ड्रॉप्स, एक हल्की सी बूंदाबांदी थी जो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहा था। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, और जो मेरी कमीज थी, मेरा पजामा था, वो मेरी स्किन से चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जैसे मेरे फेस के ऊपर एक ठंडी सी हवा चलने लगी, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रहा था। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. Clock tower के नीचे मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, उसका मैंने आश्रय लिया। Shelter मतलब आश्रय। The clock showed midnight और उसके अंदर पूरे के पूरे 12 बजे हुए थे। I felt for the notes, मैंने notes को feel किया। They were damp from the rain. Damp का मतलब क्या होता है, जो कि हल्के से गीले हो जाते हैं, वो बारिश की वजह से गीले हो गई थी। Anil's money, कि अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल, कि मॉर्निंग में शायद वो मुझे पैसे देता 2 या 3 rupees सिनेमा जाने के लिए, बट अब ये था। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और कि मैं और भी ज्यादा सेंटेंसेस लिख नहीं सकता था क्योंकि वो उसे छोड़ आया था, वो उसको धोखा देके आया हुआ था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. और मैं इन सभी चीज़ों को भूल गया सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए। Whole sentences, पूरे के पूरे sentences, I knew could one day bring me more than few hundred rupees. मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे, 100 rupees से भी ज़्यादा पैसे मुझे वापस लेके आ सकते हैं। It was a simple matter to steal. ये एक छोटा सा मैटर था चोरी करने का। And sometimes just as simple to be caught. और शायद इतना ही छोटा जितना कि पकड़े जाने का। बट टू बी रियली बिग मैन, एक बड़ा आदमी होने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और आदर वाला आदमी होने के लिए जिसको सम्मान मिले, वो समथिंग एल्स, वो एक अलग ही बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने खुद को ऐसे कहा कि शायद मुझे कुछ पढ़ने के लिए, कुछ लिखने के लिए अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैंने फटाफट से बहुत ज़्यादा जल्दी की और मैं नर्वसनेस होके मैं फटाफट से रूम की तरफ भागा। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है चोरी करना, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है दोबारा उस चीज को वापस करना बिना कोई डिटेक्ट के, यानी कि बिना उसके पता चले उस चीज को वापस करना, then to return in undetected. I opened the door quietly, मैंने हल्के से आराम से दरवाजा खोला, then stood in the doorway, और जैसे रास्ते के बीच में खड़ा हो गया, in clouded moonlight, जैसे बादल आ गए थे तो फिर हल्के हल्के बादल छा गए थे उस मून लाइट में। अनिल वो स्टिल एस्लिप, और अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड,
और मैंने उसके जैसे जहाँ पे उसका बेड था उसके सिर की तरफ दोबारा से मैंने जैसे इस तरह से मैंने इसे रेंगा एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स और मेरा जो हाथ था वो नोट्स के साथ था. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड कि मैं इतनी आराम से रख रहा था कि मुझे अपने हाथों पे उसकी सांसें फील हो रही थी. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट मैं वहां एक मिनट के लिए रुका. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रिक्स एंड स्लीप अंडर इट विद द नोट्स और मैंने क्या किया अपने हाथ को बाहर निकाला कारपेट से एंड मैंने वहां पे नोट्स रख दिए. आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी कि मैंने एक्सट्रे थोड़ा सा लेट उठा देखने के लिए और मैंने देखा अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी है. ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी और उसने अपने हाथ मेरे जैसे ऐसे फैलाए उसने जैसे मेरे ऊपर हाथ रखा. देयर वर अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स उसके हाथ में एक 50 रुपए का नोट था. माई हार्ट सेंक आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड और मेरा हाथ मतलब मेरा ऐसे दिल थोड़ा सा डर गया और मैं ऐसे सोचने लगा कि शायद उसे कुछ पता चल गया. मुझे लगा कि इसे पता चल गया. आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन उसने मुझे बोला कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली और अब तुम्हें मैं डेली की डेली पैसे दूंगा. माई स्पिरिट्स रोज और जो मेरी आत्मा थी जिसे वो एकदम से जाग उठी थी. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन और फिर मैंने उस नोट को देखा तो मुझे पता चला कि वो अभी भी गीला था रात की बारिश की वजह से. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड उसने कहा आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग शायद उसे पता था लेकिन उसके होठों ने उसके आंखों ने कभी भी कुछ ऐसा मुझे शो नहीं किया. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे मैंने बहुत अट्रैक्टिव वे से अनिल की तरफ स्माइल किया एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ और स्माइल वो अपने आप आई विदाउट एनी एफर्ट. इसका मतलब कि मुझे वो बनावटी स्माइल नहीं थी वो बहुत ज्यादा नेचुरल स्माइल थी जो कि एकदम से तहे दिल से आई थी. सो दिस वॉज द चैप्टर ये हमारा इतना ही चैप्टर था इसके अंदर की किस तरह से एक थीफ है वो कन्वर्ट हुआ एक नॉर्मल मैन के अंदर कि उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी एंड दिस वॉज द चैप्टर रिटन बाय रस्क एंड बॉन. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा. द थिंग इज दैट कि मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इसीलिए करवाती हूँ ताकि आपको नई वोकैब लर्न हो आपको नए वर्ड मीनिंग लर्न हो और आपको खुद से चीजें करनी आए. Okay, but still if you have any doubt or any query then you can directly comment in the comment section. Apart from this you can WhatsApp me. Thank you very much. Have a lovely day. Take care of yourself.